Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to another vlog. So let's live today's moments. I'm here in Gram Krishna right now. और आज से जुम्मा था और जुम्मा पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि यार क्यों ना थोड़ा बाहर निकल करके गर्म चश्मा में घूमा जाए। तो सीजन बहुत ही मौसम काफ़ी ज़बरदस्त है यहाँ पर और पानी भी काफ़ी हद तक साफ हो गया और स्नो भी फिलहाल विलेजेस में तकरीबन है, ख़त्म नहीं हुआ पूरी तरह से। तो अभी मैं जाऊँगा यहाँ से थोड़ा आगे, यहाँ पर फिशेस के लिए लेक्स छोटे छोटे पूल्स बनाए हैं और वहाँ पर वो फिश को पालते हैं और उन्हें बेचते हैं। सो यहाँ पर वो जगह मैं विजिट करने जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि घर बैठ कर क्या करेंगे, आज वैसे भी फ्री हैं तो जाते हैं, थोड़ा रमज़ान है ना तो टाइम पास भी हो जाएगा और थोड़ी सैर भी हो जाएगी। Look at that view यार, यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त एक व्यू आ रहा है। होप सो इट इज़ कनेक्टेड। यहाँ से ही ऊपर चढ़ते हैं। आह गुड ग्रेट। तो बैठते हैं यहाँ, थोड़ा काफ़ी दूर रखा है मोबाइल को, बट आई थिंक काम कर रहा है माइक यहाँ तक, तो यहाँ थोड़ा बैठ के इंजॉय करते हैं। सो लाइफ इज अबाउट दिस लिटल मोमेंट्स, छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जिनको आपको इंजॉय करना पड़ता है। और अगर आप अपने मोमेंट्स में खुश नहीं हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि एक बार ही खुशी मिलेगी बहुत बड़ी जिसके बाद हम हमेशा खुश रहेंगे, दिस इज़ इल्यूजन। आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे ज़िंदगी बनती है और अगर वहाँ अपने आप को खुश रखना सीख लिया आप लोगों ने, एंड लाइफ इज़ गोइंग टू बी ग्रेट भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शुक्र अदा करें ना उतना ही कम है। ये क्लाउड जिस तरह आराम आराम से करते हैं ना मोमेंट साइलेंटली, बहुत ही पीसफुल फील होता है इनको देख करके। वैसे ये वाला व्यू भी आप लोग चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। इतना प्योर पानी है ना, क्रिस्टल क्लियर। ये द्रोश में हम आ गए हैं, ये पता नहीं क्या है सामने, बट इससे आगे जो जगह है ये होटल है मेरे ख्याल में, कोई नाइट्स इन होटल द्रोश। ये मैंने पहले कभी विजिट नहीं किया, बट इन फ्यूचर अगर हुआ तो टाइम मिला तो करेंगे। इसे दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, अच्छे से बनाया है। यहाँ अगर आप स्टे करने आए ना तो सामने ये व्यू आपको मिलेगा। ये अभी तो इस तरह दिख रहा है, ज़बरदस्त है और गर्मियों में और भी ज़बरदस्त होता है। ये सारा ग्रीन हो जाता है, ग्रीनरी फैल जाती है यहाँ पर। सो ये देखें भाई, बहुत ही ज़बरदस्त बनाया है। इंटीरियर का पता नहीं लेकिन बाहर से काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके सामने जो है ये, दिस इज़ द हॉस्पिटल गर्म चश्मा का, सेमी गवर्नमेंट है आई थिंक ये, लेकिन लोग जितने भी आते हैं केसेस अपने लेकर के वो इधर ही आते हैं। दिस इज़ द हॉस्पिटल, ये सारे जितने भी गांव के लोग होते हैं ना ये सारे इधर ही आते हैं अपने केसेस लेकर के। सो अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, पता नहीं एक्सेट्रा सारी चीज़ें होती हैं। और ये साइड में फिशरीज का जो के लिए जो जगह बनाई गई है वो यहाँ पर, तो देखते हैं अंदर कोई अगर जाने दिया, अगर नहीं गए ना तो इससे आगे एक और जगह जहाँ पर लेक्स हैं वहाँ जाके थोड़ा मैं बैठूँगा, आप लोगों को भी दिखाऊँगा, वहाँ भी बहुत ज़बरदस्त व्यू आता है। यहाँ पर तो ताला वाला लगा है और यहाँ पर कोई बंदा भी नहीं दिख रहा, आई थिंक इट्स क्लोज्ड, बट यहाँ से हम चेक कर ही सकते हैं। ये देखो भाई, फिशेस आर देयर, हैं भाई मछलियाँ तैर रहे हैं यहाँ पर। अंदर जाने से क्या होगा, बस यही दिखेगा। ये देखें यहाँ से पानी आ रहा है इस वाले जगह से, और इसमें ये ट्राउट है कि पता नहीं कौन सी मछलियाँ हैं यहाँ पर। ख्याल में उस साइड पे भी कुछ बना हुआ है, वहाँ पर भी होगा मछलियाँ होंगी। गर्मियों में ना ये जो सामने आपको रोड दिख रहा है ना, इसमें जितने भी दरख्त हैं ये सारे ग्रीन हो जाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आता है। इन ऑटम सीजन इट्स आल्सो ग्रेट टू सी आर येलो येलो होकर ना यहाँ पर ये पत्ते गिर रहे होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। राइट नाउ और भी ये ज़बरदस्त लग रहा है, ट्रीज आर द ब्यूटी ऑफ नेचर। ठीक है, और यहाँ पर कोई बंदों ने
ये लेक बनाया हुआ है शिकार के लिए आई थिंक। हाँ ये देखो नकल फेक डक्स यहाँ पर, ये डमीज पड़े हैं। ये देखो भाई ये मुर्दान है सामने, ये जो गांव आपको दरख्तें दिख रही नहीं, ये सामने वाला ये मुर्दान है विलेज का नाम है उसके ऊपर। क्या जबरदस्त सीन हुआ है, बादल पूरे नीचे आए हुए। राइट नाउ आई एम नियर द लेक, ये देखो भाई ये लेक है, लेकिन उस साइड पे जाके इसके व्यूज लेते हैं, मजा आएगा। अगर आप कभी यहाँ से गुजरे और आपको अगर नमाज पढ़ना है, इंडिया से मॉस्क यहाँ से ऊपर जा करके ये मस्जिद है, यहाँ पर आप नमाज पढ़ सकते हैं। सो उस साइड पे जाने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ेगा, तो इधर आई हैव टू जंप और देखते हैं। सो राइट नाउ मैं इस साइड पे आया हूँ, आई एम इन द लेक। सो यार क्या जबरदस्त व्यू है, जबरदस्त है यार। उस साइड पे जाके मैं एक शूट करूंगा क्योंकि सनलाइट वहां से इस तरफ है ना, तो उस तरफ से मेरे ख्याल में ये थोड़ा ठीक आएगा। ये जगह आपको दिखाऊं मैं, इस तरह के जगह बनाते हैं, फिर इसके अंदर जा कर के लोग बैठते हैं। सो यहाँ से बंदूकें यहाँ रखते हैं इसके ऊपर शिकार करने के लिए, तो यहाँ जो भी आता है बतख बतख यहाँ पर आते हैं तो उनका शिकार करते हैं। ये अंदर से भी ज़बरदस्त लग रहा है ना, बैठने बैठने की यहाँ पर इन लोगों ने जगह बनाई है, एंड इट्स ग्रेट भाई। सो यहाँ से लेक का व्यू चेक करें यार, ज़बरदस्त लग रहा है ना, इट्स ग्रेट ब्रो, ग्रेट। वाह यार वाह, गाड़ियाँ वाड़ियाँ गुजर रही हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त सीन हुआ है। इसके अंदर आई थिंक मछलियाँ भी होंगी। यहाँ पर भी कोई ब्रिज बना है, सामने बकरियाँ, एंड हियर इज अ डॉग, और ये लोग यहाँ पर बकरियाँ वकरियाँ लेकर के आए हैं। ऊपर भी ये जंगल बना हुआ है। सो यहाँ थोड़ा बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। बहुत ही पीसफुल है ना यहाँ पर। सो लाइफ इज ऑल अबाउट कि आप अपने आप को कितना अकेले में इंजॉय करते हैं अपने आप के साथ। दोस्तों के साथ तो इंजॉयमेंट होती है, लेकिन मैं इस तरह का इंसान हूँ कि मैं खुद को अपनी कंपनी को बिना बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। सो यू आर वे मोर पावरफुल अगर आप इस तरह के इंसान हैं कि आप अपने आप को भी इंजॉय करते हैं, फ्रेंड्स की कंपनी को भी इंजॉय करते हैं। सो इंडिपेंडेंट है आप अगर आप भी इस तरह हैं, लोगों की ज़रूरत नहीं है आपको, लोग हैं तो ठीक है, नहीं है तो अपने आप को इंजॉय करें। सो ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस तरह की चीज़ों में। इन द रियलिटी ऑफ ह्यूमन बींग इज़ ऑल्सो लाइक दैट कि अल्लाह ताला के सिवा इंसान का कोई होता नहीं है, आरजी रिश्ते होते हैं सारे जितने भी हैं, एक हद तक सारे काम आते हैं, लेकिन एक लिमिट पे आगे सारों की लिमिट ख़त्म हो जाती है ना, उसके बाद फिर जिसने बनाया बस इंसान उसी का। अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक को ठीक करें। ये मेरे सामने ना ये दरख्त पे एक परिंदा बैठा हुआ है, अभी कैमरा में उठाऊंगा तो उड़ जाएगा, लेकिन छोड़ें ऐसे ही, क्रिएचर्स को भी सुकून से रहने देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग, एंड देन यू इफ यू लुक एट लाइफ ना, लाइफ इज ग्रेट, एवरीथिंग इज ग्रेट, इट्स ऑल अबाउट योर विजन। अगर आप अकेले में अपने आप को एंजॉय नहीं करते ना, अपनी कंपनी को, आप अपने आप को ही पसंद नहीं करते, अपने आप से भागते हैं, तो ऐसा होने से क्या ये बेहतर नहीं है कि आप अपने आप को अंदर से खूबसूरत बनाएं, अपने किरदार को ठीक करें, अपने आप को ठीक करें, अपनी सोच को, अपनी आदतों को ठीक करें, ताकि जब आप अकेले हों तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी के साथ भी आपको मज़ा आए टाइम बिताने में, अपने आप से दोस्ती करें। और दोस्त हैं तो वो तो मज़ा आएगा ही दोस्तों के साथ, लेकिन अकेले में भी जो इंसान अपने आप को एंजॉय करता है ना, ही इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ दिस व्लॉग, एंड टिल द नेक्स्ट व्लॉग मेक श्योर टू लिव योर लाइफ मोमेंट्स एंड टेक केयर।